ई-स्पोर्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटिव वीडियो गेमिंग को रेफर करता है। इसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स या टीम्स अलग अलग वीडियो गेम्स में एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, जहां पर ये लाइव ऑडियंस या ऑनलाइन ऑडियंस के सामने खेला जाता है। काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव, जिसे CS:GO कहते हैं, एक टूर्नामेंट ओरिएंटेड फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है। CS:GO काउंटर स्ट्राइक सीरीज का सबसे लेटेस्ट वर्जन है और इसका लॉन्च 2012 में हुआ था, और ये अभी तक सबसे बड़ा ई-स्पोर्ट्स टाइटल माना जाता है, जिसमें हर महीने 11 मिलियन यूजर्स खेलते हैं। इस गेम में दो टीम्स होते हैं, हर टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं और हर टीम को कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने होते हैं जीतने के लिए। एक टीम टेररिस्ट पीस की भूमिका निभाती है, जबकि दूसरी टीम काउंटर टेररिस्ट CTs होते हैं। इस गेम में कई गेम मोड्स अवेलेबल है, लेकिन प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स मैचेस हमेशा 5v5 कॉम्पिटिटिव मोड में खेली जाती है। इस मोड में अटैकिंग पीस को एक साइड ए या बी पर बॉम्ब प्लांट करके उसे डिफ्यूज होने से डिफेंड करना होता है, या फिर सारे CTs को एलिमिनेट करना होता है राउंड जीतने के लिए। दूसरी साइड CTs को ये बॉम्ब प्लांट होने से रोकना होता है, और अगर हो गया हो तो डिफ्यूज करना होता है राउंड जीतने के लिए। हर मैच में टोटल 30 राउंड्स होते हैं और हर राउंड मैक्सिमम 1 मिनट और 55 सेकंड तक चलता है। एक मैच जो टीम सबसे पहले 16 राउंड जीत लेती है, वो टीम मैच जीत जाती है। CS:GO में एक इन गेम करेंसी सिस्टम भी है, जिसमें खिलाड़ियों को राउंड जीतने, दुश्मनों को मारने पर करेंसी मिलती है। हर प्लेयर जो 10 कॉम्पिटिटिव मैचेस जीत लेता है, उसका एक रैंक असाइन की जाती है, और फिर उसे उसी रैंक के दूसरे प्लेयर्स के साथ मैचअप किया जाता है। CS:GO रैंकिंग सिल्वर 1 से लेके ग्लोबल एलीट तक है। ये रही सारी रैंकिंग्स आपके स्क्रीन पर। कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी रैंक क्या है। दुनिया भर से आए हुए प्रोफेशनल टीम्स और खिलाड़ी CS:GO ई-स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में अपने काबिलियत दिखाने और प्राइज में जीतने के लिए कॉम्पिटिशन करते हैं, जैसे कि अभी जो 8 टीम्स स्काई स्पोर्ट्स मास्टर्स खेल रही है। वैसे ये टूर्नामेंट्स बड़े जगह पर होते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन लार्जर ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। CS:GO ये गेम ई-स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के लिए एक पसंदीदा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड नेचर, स्ट्रैटेजिक गेम प्ले और इंडिविजुअल स्किल रिक्वायरमेंट्स है। प्रोफेशनल CS:GO खिलाड़ी अक्सर लीग्स जैसे ब्लास्ट प्रीमियर, स्काई स्पोर्ट्स मास्टर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इन कॉम्पिटिशन्स में प्राइज पूल होते हैं और जीतने वाली टीम्स को CS:GO कम्युनिटी के तरफ से प्रशंसा मिलती है। आपको देखना है CS:GO ई-स्पोर्ट्स क्या होता है, तो ये रहा। आपको इमोशंस नजर आएंगे, लेकिन एपेक्स एक और बार एक और किल, दूसरा किल, व्हाट, वन किल अवे, ज़ाइवू, फैटालिटी, एक किल की जरूरत इतिहास बनाने के लिए, क्या निकाल पाएंगे?